एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई एम गुड टू। सो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जैसा आप देख सकते हैं तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर में, सुबह के टाइम नहीं, क्योंकि सुबह मैं बिजी थी एंड अब मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे मम्मी जी के साथ एंड रजत भी चलेगा साथ में। तो करवा चौथ आने वाला है जैसे आप सब लोगों को पता है। सो टुडे इज फ्राइडे, संडे को करवा चौथ है, तो तैयारियां शुरू हो चुकी है, मतलब हमारी तरफ से तो हो रही है अब शुरू। आज हम लोग लेने जाएंगे कुछ सामान जो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जिन लोगों को नहीं पता, तो दिस इज माय फर्स्ट करवा चौथ, क्योंकि मेरी अभी भी शादी हुई है मतलब अभी तो काफी टाइम हो गया। क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे मनाया जाता है, धीरे धीरे वो सारी चीजें अनफोल्ड होंगी मेरे लिए। चूड़ियां लेनी है, कपड़े लेने हैं, कुछ भी लेना है छोटा मोटा, सो वो सारी चीजें भी हम लोग लेने जाएंगे, तो आप मेरे साथ साथ देखना। एंड एज यूजल आई एम रेडी, एज यू कैन सी मैंने सूट डाला हुआ है एंड रचित इज नॉट रेडी। ओके, तो फाइनली रचित आ गया, तभी आपको मेरा आउटफिट देखने को मिल पा रहा है। सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। ये एक ही सूट पड़ा था मेरे पास अभी, जो यू नो थोड़ा सा कंफर्टेबल टाइप है, तो मैंने सोचा यही वाला डाल देती हूँ ताकि मैं चूड़ियां जब ट्राई करूँ तो अच्छा लगे, यू नो। सब लोग रेडी हो चुके हैं, मम्मी का भी कॉल आ गया, सब लोग रेडी है, सो लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंचे मम्मी? मार्केट पंचकुला पहुंच चुके हैं, सेक्टर 9 पंचकुला, क्योंकि यहाँ पे है बर्तन की शॉप बहुत अच्छी, तो अभी हम लोग कुछ बर्तन लेने जा रहे हैं, यू नो। इसके लिए हो। ये देखो चांदी के बर्तन कितने ज्यादा सुंदर है, चांदी के नहीं है ऐसी बोल रहा, बड़ी मुझे बड़ा सुंदर लगा जी। सीरियस ले, यहाँ पे रख के चले। हाँ चलो, रखो, तोड़ दो। ये कितने की है? ये पानी रखने के लिए। अच्छा। तो मैं जब से अभी यहाँ आई हूँ मैंने इतनी सारी चीजें देख ली, उसमें से सेकंड नंबर ही देखी है वैसे, बट इतनी सुंदर सुंदर चीजें हैं और भी हैं, वो भी एक्सप्लोर करते हैं ना, मजा आ रहा है। इसमें देखो ये लगे हुए हैं, ये अलग से रखने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा सुंदर है। देखो पूजा वगैरह है ना मम्मी, देखना। तो ये देखो हमने ली है ये लोहे की कढ़ाई, क्योंकि मेरे पास थी नहीं, यू नो जो फ्राई वगैरह करते हैं ना चीज़ें, तो एक हम ये ले रहे हैं, एक मैं ले रही हूँ ये वाली कढ़ाई, ये थोड़ी सी छोटी मोटी सब्जी बनानी है ना उसके लिए। ये बिहाइंड द सीन्स मेरी लेग में दर्द हो रहा है, तो मैं बैठ गई। मैं बोल रही हूँ अभी हम लोगों ने घर के लिए ही सामान लिया है, यू नो कढ़ाई वगैरह, लोटा वगैरह, ये सब चीज़ें, बस ये बता रही हूँ। तो अभी हम लोग आए हैं वुमेन्स गैलरी में शॉपिंग करने, तो जो भी करेंगे दिखाएंगे। सूट, वी आर लुकिंग फॉर सूट। तो अब हम पहुंच चुके थे विमेंस गैलरी, इट्स इन पंचकुला, और यहाँ पे इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था सूट्स का। तो मम्मी जी ने बोला था कि मुझे करवा चौथ पे उन्होंने सूट देना है, तो हम लोग यहाँ पर देखने आए थे कि हमें क्या क्या मिल सकता है। तो अभी आप भी इनकी वैरायटी देखना। तो हमने सारे सूट देख लिए थे, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि मैं और मम्मी जी सोच रहे थे कि थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, यू नो फर्स्ट बारी में ही ले लेंगे हम लोग, तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फिर आराम से लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है बिट्टू बैंगल्स, क्योंकि हमने लेना था सारा श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ और यू नो थाली जिसमें यू नो छलनी वगैरह होती है, आप सब कुछ देखते हो। तो बिट्टू बैंगल्स में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो कुछ ग्लिम्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी।
हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी जी के पास मम्मी को पिक करने, क्योंकि कल हमने बहुत सारी चीजें ले ली थी लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी, जैसे करवा चौथ की थाली, जो छलनी होती है और जो यू नो जिसमें से पानी पीते हैं, वो वाली सारी चीजें। एंड मेरा सूट भी कल हम लोगों ने बहुत देखा, आज फिर से देखेंगे हम लोग। एंड मैंने कल वाला सूट डाले, मैंने सोचा एक ही व्लॉग बनना है तो ये एक ही सूट डाल लेती हूँ मैं। ओके, सो हम लोग आए हैं अभी शाम मॉल सूट वगैरह लेने के लिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फोर्थ फ्लोर जहाँ पे मिलती है अच्छी अच्छी ड्रेसेस वगैरह, तो वहाँ देखते हैं पहले। और मम्मी भी मेरे साथ हैं, रचित भी है बट वो कैमरा में आना नहीं चाहता, ये देखो। ठीक है चलो। तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम लोग अनस्टिच्ड सूट्स देखते हैं, क्योंकि त्यौहार चल रहे हैं तो न्यू वेराइटी आई है, तो एक बार देख लेते हैं, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। तो अब आप देखना इनका कलेक्शन। सूट्स देखने के बाद हम लोग आ गई थी ऊपर, मुझे कुछ ज़्यादा नीचे पसंद नहीं आया, तो यहाँ पर थी रेडीमेड शरारा, गरारा और यू नो प्रॉपर फ्रॉक सूट, अनारकली सब कुछ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए, क्या पता कुछ पसंद आ जाए। शॉपिंग कर लिया, मम्मी ने मुझे इतना ज्यादा सुंदर सूट दिलाया, आपने देखा होगा पिंक कलर का, वरना मैं आपको दिखा भी दूंगी। थैंक यू, मजा आया। मम्मी की पसंद करी और इतना ज्यादा सुंदर है, अभी आपने देखा ही होगा ना, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया। चलो अब बू ने कुछ नहीं, आओ बू क्या देगा देखते हैं, बू क्या देगा। ये है शाम और हम लोग सुबह से इतने सारे कामों में बिजी थे। रचित ने लाइट जला दी। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नाइट सूट में, अब मैं जा रही हूँ मम्मी जी के पास, मम्मी जी मुझे सरगी भी देंगे एंड और फिर उसके बाद हम दोनों जाएंगे मेहंदी लगवाने। तो अभी 8:30 हो रहे हैं रात के, तो हमें टाइम नहीं मिला लगवाने का, तो अभी हम लोग मेहंदी लगवाने जा रहे हैं, फिर वहीं पे मिलती हूँ मैं आपको। तो हम आ चुके हैं मार्केट में एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अभी 10:30 होने वाले हैं और हम लोग कब से वेट कर रहे हैं मेहंदी लगाने का। तो अभी पीछे मम्मी है, वो मेहंदी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद मैं लगवाऊंगी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो अभी मम्मी लगवा रहे हैं और अभी 11:30 हो चुके हैं, और बैक साइड से ये ऐसे ये मैंने पैटर्न बनवाया पूरा। और ये रही मम्मी, मम्मी की तो सूटें भी अच्छी लग रही है ना, ये देखो ऐसे वेरी नाइस। बैक साइड, बैक साइड अब बनाई किस हम कभी और बनाई भैया ने हेलो बोल दो, हेलो भैया ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई।
ओके सो फाइनली हम लोग घर पर आ चुके हैं। तो ये रही मेरी मेहंदी। मेरे में पेशेंस नहीं थी कि मैं यहाँ यहाँ तक लगवाऊं, तो मैंने बोला कि आप सिंपल सी लगा दो मुझे, तो उन्होंने ये लगाई एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मैं बहुत कम मेहंदी लगाती हूँ बट अब तो लगानी जरूरी है ना, तो मम्मी जी ने भी लगा ली थी और मैंने भी लगा ली थी। और अब बजने वाले हैं वो 12 आई थिंक 12 o'clock और हमें सुबह 4 बजे उठना है, तो मतलब फटाफट बस अब सोएंगे। और अब आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी जिसमें हम पूरा करवा चौथ दिखाएंगे कि कैसे कैसे होता है। मैं भी पहली बार ही देखूंगी सब कुछ एक्सपीरियंस करूंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज स्वीट लाइफ ऑफ दीक्षा। बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।